भारत है तो हम भारत है, यानी हम क्या है? जब तक भारत की भाषाएं रहेगी तब तक भारत रहेगा। जिस दिन भारत की भाषाएं अंतर्धान होगी उस दिन क्या होगा? उस दिन वो बात नहीं रहेगी। अभी अभी हम देखते हैं ना कि छोटे बच्चों को और धीरे धीरे अपने भाषा के शब्दों का परिचय नहीं है, ऐसी स्थिति आ रही है। तो आज तो उनको नाम मालूम है, हनुमान जी मालूम है, गणेश जी मालूम है, कल चल के ऐसे ही अंग्रेजी के प्रभाव में बहते चले गए तो वो भी कहेंगे कि मंकी गॉड, एलिफेंट गॉड, ऐसा कहेंगे। तो आज गणेश और हनुमान कहने के बाद हमारे मन में जो भाव आता है वो भाव आना बंद हो जाएगा, और ये दोनों अपने देश की परंपरा के कहानियों से, पुराणों से, कथाओं से, और इतिहास है वो, इतिहास से भी जुड़े। इसलिए भाषाओं का बड़ा महत्व है, और भारत में कभी भी भाषा समस्या भी बनती है क्योंकि अनेक भाषाएं हैं, सब भारत की अपनी भाषाएं हैं, इसलिए वो सारी भाषा हमारी अपनी समान रूप से। समस्या तब आती है जब भाषाओं का उपयोग किसी स्वार्थ को भुनाने के लिए किया जाता है। वास्तव में समस्या नहीं है, सारे भारत में मैं वही घूमता हूं, आप में से भी कुछ लोग घूमते होंगे। भारतवर्ष के किसी प्रांत में, प्रदेश में हम जाके रह गए, दो तीन महीने रह गए, और दूसरे किसी भाषा में कुछ सुना नहीं, बोला नहीं, जो कुछ बोलना है उसी भाषा में बोलने का प्रयास जारी रखा, तो भारत की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो हम तीन चार महीने में सीख नहीं सकते बोलचाल की। और पहली बार सुनने पर भी बोलने वाला अगर गति कम करके बोलता है और हम जरा अधिक ध्यान दे के सुनते हैं तो भाव तो समझ में आता ही है। क्या कारण है? इसका कारण है संस्कृत। भारत की प्रत्येक भाषा में, यहां तक कि सुदूर वनांचलों में बसे हुए हमारे वनवासी बांधवों की अपनी भाषाओं में, बोलियों में भी 30% कम से कम संस्कृत शब्द या संस्कृत से अपभ्रष्ट अथवा तद्भव शब्द मिलते हैं।